वेलकम ब टॉपिक इज़ टो बैको मोसिक वायरस सो आज हम इसके बारे में, में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे सबसे पहले उसके बाद स्ट्रक्चर एप्लीकेशन लाइफ साइकिल और कुछ सोर्सेज और सिम्टम्स सो लेट स्टार्ट सो टी एम वी वॉज अ फर्स्ट वायरस टू बी डिस्कवर्ड ये पहला एक वायरस था जो कि डिस्कवर्ड हुआ था इट इज़ द फर्स्ट पैथोजन आइडेंटिफाइड एज अ वायरस द वायरस वॉज क्रिस्टेलाइन बाई डब्ल्यू एम स्टेनले और ये जो है फर्स्ट क्रिस्टेलाइन वायरस है जो कि क्रिस्टेलाइज हुआ था बाई डी एम बाई डब्ल्यू एम स्टेनले से टोबैको मौसिक वायरस टी एम वी इज़ अ पॉजिटिव सेम सिंगल स्टैंड आर एन ए और ये जो होता है सिंगल स्टैंड आर एन ए कंटेन करता है स्पीशीज़ इन द जीनस और इसकी जो जीनस हो, स्पीशीज़ होती है टोबोमो वायरस होती है दैट इन्फेक्ट अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स जो कि इन्फेक्ट करती है बहुत तरह तरह के को बहुत ज़्यादा ताकत में ये इन्फेक्ट करता है स्पेशली टोबैको को एंड अदर मेंबर ऑफ द फैमिली सोलेंसी और जो फैमिली सोलैंसी uh, के अदर मेंबर हैं उनको भी इन्फेक्ट करती है द इन्फेक्शन कॉज इस करेक्टरिस्टिक पैटर्न सच एज़ मॉसिक लाइक मॉटिंग एंड डिस्कुलेशन ऑन द लीव्स तो इसमें सिम्टम्स जो होते हैं इन्फेक्शन जो होता है जब इन्फेक्शन कॉज होता है तो सिम्टम्स आने लगते हैं मोसिक मतलब कि डाग धब्बे ब्राउन पैचेज आने लगते हैं लीवस पे फर्स्ट इक्वेंस प्लांट वायरस टू बी शोन टू कंटेन आर एन एज जेनेटिक मटीरियल और ये पहला एक वायरस है जो कि आर एन ए जेनेटिक कंटेन मटीरियल कंटेन करता है फर्स्ट वायरस टू बी शोन टू कंटेन आर एन एंड प्रोटीन और ये पहला वायरस है जो कि आर एन ए और प्रोटीन दोनों ही कंटेन करता है सो नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर अपेयर एज अ बंडल ऑफ रोड्स और नीडल अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये बंडल ऑफ रोड्स में दिखाई देता है ईच रोड इज थ्री थाउजेंड अंगस्टन एंड लेंथ वन सेवेंटी अंगेस्टन इन डाइमीटर इट हेज टू कम्पोनेंट प्रोटीन कोड एंड न्यूक्लियक एसिड जितने भी वायरस होते हैं उनके पास दो कॉम्पोनेंट पाए जाते हैं जैसे इसमें भी ऐसे दो कॉम्पोनेंट पाए जाते हैं protein and nucleic acid. Protein है, प्रोटीन कोड एंड न्यूक्लियक एसिड प्रोटीन होता है नेक्स्ट इज प्रोटीन कोड कैप्सिड इज मेड अपॉफ टू थाउजेंड वन हंड्रेड थर्टी आइडेंटिकल प्रोटीन सब यूनिट कॉल्ड कैप्स्यूमर जो टी एम वी का प्रोटीन कोट होता है मतलब कि कैप्सिड वो जनरली प्रोटीन से बना होता है जिसे हम कैप्समर्स कहते हैं इच्छ कैप्सूमर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ वन फिफ्टी एट अमीनो एसिड एंड इट्स मॉलिक्यूल वेट इज़ एटीन थाउजेंड सो जिन जो इनका कैप्सूमर होते हैं वो वन फिफ्टी एट अमीनो एसिड के लॉन्ग चेन से बने होते हैं और इसमें इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो एटीन थाउजेंड होता है देखते हैं द कैप्सम आर हेलिकली अरेंज अराउंडल सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए मोलिक्यूल देखिए डाइग्राम में देखिए आर एन ए जो है वो एक हेलिकली अरेंज है और उसके साथ ही कैप्सूमर भी हेलिकली अरेंज है आर एन ए के साथ ही तो नेक्स्ट चीज द टोटल लेंथ ऑफ ईच रोड है इज अप्रोक्स वन थर्टी हेलिकल और हर रोड की जो टोटल तो लेंथ है वो अप्रोक्स वन थर्टी हेलिकल है यविंग वन सिक्सटी फाइव प्रोटीन सब यूनिट और सब वन सिक्सटी फाइव प्रोटीन सब यूनिट्स हैं सबके पास नेक्स्ट इज रेप्लीशन ऑफ टी एम वी एप्लिकेशन साइकिल के एन भी हाईली डाइवर्स बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज़ एंड कैटगरीज ऑफ़ वायरस तो जो रेप्लीकेशन साइकिल होती है वो अलग अलग टाइप की होती है डिफरेंट स्पीशीज़ में कैटगरीज ऑफ़ वायरस अलग अलग वायरस के वजह से वायरस कैट नॉट रेप्लीकेट ऑन देयर आउंड वायरस जो होता है कभी भी खुद रेप्लिकेट नहीं करता वायरस इनफैक्ट लिविंग सेल फॉर होस्ट एंड कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द होस्ट मशीनरी फॉर देयर मल्टीप्लिकेशन वायरस जो होता है डिपेंड होता है होस्ट पर जिस पे वो अटैच करता है जिसके आ, उस पर डिपेंड हो जाता है पूरा और उसके पूरी सेल पर कंट्रोल कर लेता है और फिर अपनी मल्टीप्लिकेशन करता है दिस इंक्लूडिंग फॉलोइंग स्टेप ये इंक्लूड करते हैं कुछ स्टेप होते हैं इसमें आगे रेप्लिकेशन में फर्स्ट चीज़ अटैचमेंट फर्स्ट चीज अटैचमेंट इन्वॉल्व वायरल प्रोटीन बाइंडिंग टू द होस्ट जो वायरल प्रोटीन है वो बाइंड कर लेता है होस्ट से दी सेल सरफेस एड्जॉप ऑफ वायरस मेनली बाय वाउंड एंड इंजरीज मतलब क्या होता है जो वाउंड और इंजरीज हो जाती है जब हेल्दी प्लांट में कहीं पे जब कोई चोट लग जाती है तो उसके थ्रू वायरस जो होता है उसमें एंटर कर लेता है सेकेंड इज़ अनकोटिंग रिलीज ऑफ वायरल जीनोम बाय अनकोटिंग जो वायरल जीनोम होता है वो अनकोटिंग से रिलीज होता है वंस इनसाइड द सेल द फर्स्ट स्टेप इज़ अनकोटिंग जब सेल जो होता है वो वायरस जो होता है वो सेल के अंदर चला जाता है तो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो हमारा अनकोटिंग होता है दिस इन्वॉल्व द वायरल कैप्सिल डिग्रेडिंग इधर बाय द एक्शन ऑफ वायरल और होस्ट जीनोम तो जो इसमें क्या होता है कि जो वायरल कैप्सिड होती है मतलब कि जो प्रोटीन की कोट होती है वो डिग्रेड कर लेता है और ये ये जो होता है ये तो वायरल से होता है या फिर होस्ट से होता है द दिस रिलीज दिनोमिक इंफॉर्मेशन मोस्टली इन आर एन ए फॉम दिस इनेबल द स्टार्ट ऑफ एप्लीकेशन थ्रू ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन फॉर आर एन ए और डी एन ए वायरल जिनोमिकफार्मेशन रिस्पेक्टली इसमें क्या होता है जब हमारा प्रोटीन कोड हट गई अनकोटिंग हो गई तो जिनोम जो होता है वो अपना जेनेटिक मटेरियल आर एन ए को होस्ट के अंदर रिलीज़ कर देता है इसके बाद क्या होता है जीनीम जब होस्ट के अंदर रिलीज़ हो गया अंदर अंडर ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू क्या होता है कि प्रोटीन की सिंथेसिस होने लगती है होस्ट जो होता है होस्ट सेल जो होता है उसकी मशीनरी पर कंट्रोल कर लेता है मतलब कि सेल जो होता है पूरा वो होस्ट का ही होता है पर जो जीनोम होता है प्रोटीन होता है वायरस का होता है सो so, आगे देखते हैं आगे होता है द नेक्स्ट स्टेप इज़ असेंबल Assembly in which the product of the replication step can be post transcriptionally modified. इसमें क्या होता है जो आ, replication होती है वो और ज़्यादा आगे बढ़ जाती है modified हो जाती है The viral protein and viral genome आर दैन packed into न्यू वायरोंस तो जो वायरल प्रोटीन और वायरल जिनोम होता है वो न्यू वायरोंस में कन्वर्ट होता है मतलब कि जब प्रोटीन बन जाता है तो आर एन ए प्रोटीन के अंदर कवर्ड हो जाता है जो आर एन है वो कवर्ड हो जाता है और इसको ही हम कहते हैं असेंबल। असेंबल होने के बाद न्यू वायरस का फॉर्मेशन होता है जो कि जिसे हम कहते हैं वायरोन यंग वायरस असम्पल ऑफ वायरस न्यूक्लिक एसिड विद प्रोटीन टू फॉर्म वायरन जो प्रोटीन से और न्यूक्लिक एसिड से बनकर बना होता है उसको हम कहते हैं वायरन मतलब कि यंग वायरस हमारा प्रोड्यूस हो गया सो so, इसके बाद हम देखते हैं लाइफ साइकिल डायग्राम के थ्रू हम ये समझते हैं सबसे पहले इस ए वाले में देखिए ए फिगर में देखिए क्या होता है कि वायरस जो होता है वो होस्ट सेल से अटैच होता है फिर उसके बाद जो होता है बी वाले में देखिए डिग्रेड ऑफ वायरल प्रोटीन शहत जो हमारी प्रोटीन शहद होती है मतलब कि अनकोटिंग हो गई प्रोटीन शहद को डिग्रेड कर दिया उसके बाद सी में देखिए कम्प्लीटली और रेप्लिकेशन आरएनए सिंथेसिस बाय द वायरल आरएनए इसमें क्या होता है रेप्लिकेशन होने लगती है रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है ट्रांस ट्रांसकी ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू इसमें प्रोटीन का सिंथेसिस होता है और आर एन ए रेप्लीकेट होने लगती हैं डी में ई में देखिए डी और ई में न्यूली सिंथेसाइज वायरल आर एन ए फॉर्म कम्प्लीमेंट्री आर एन ए जो हमारा पुराना आर एन ए था कम्प्लीमेंट्री आर एन ए जो कि वायरस ने होस्ट सेल के अंदर डाल दिया था उससे नए आर एन ए फॉर्म ढूँगे उसके बाद राइबोसोम अमीनो एसिड फॉर्म पॉलीपेप्टाइड जो अमीनो एसिड है वो चेन बना लेगी उसके बाद जो होता है प्रोटीन सब यूनिट और कैप्समर कैप्सूमर बनेंगे प्रोटीन सिंथेसिस होगी वायरल आर एन ए कैप्सूमर बनेंगे आ, उसके बाद देखिए हमारा असेंबली स्टार्ट हो गया न्यू वायरन का बनना स्टार्ट हो गया आ, के वाले में देखिए कि वायरल पार्टिकल्स आ गए न्यूक्लियस और जो वायरल पार्टिकल्स हमारे पास बन गए न्यू वायरल जो है यंग वायरस वो बन गए और वो जो है पर्स्ट हो जाएंगे उसके बाद फिर से यही दोबारा साइकिल स्टार्ट हो जाएगी वायरस फिर दोबारा होस्ट सेल को इन्फेक्ट करेगा और ये साइकिल फिर स्टार्ट हो जाएगी ओके नेक्स्ट इज़ सोर्स ऑफ टी एम वी इन्फेक्शन ऑफ इन्फेक्ट प्लांट मतलब कि डेड डिकिंग जो होता है प्लांट का वो इन्फेक्ट करता है हेल्दी प्लांट को नेक्स्ट इज़ द इन्फेक्शन ऑल्सो पासिस फ्राम वन होस्ट टू अनादर मैकेनिकल मीन सच एज एग्रीकल्चर इम्प्रीमेंट्स एंड रबिंग ऑफ इन्फेक्टेड लिप्स ओवर द सर्फेस ऑफ हेल्दी लिप्स मतलब क्या होता है कि जो इन्फेक्शन होता है वो ऐसे भी फैलता है जैसे जो हमारे एग्रीकल्चर के टूल होते हैं हेल्दी प्लांट को जब हम उसे टच करते हैं तो इन्फेक्ट हो जाता है वो हेल्दी प्लांट भी और जब रबिंग ऑफ इन्फेक्ट लीव्स ओवर द सरफेस ऑफ हेल्दी वन और ये जब भी होता है जब कोई इन्फेक्ट लीव जो होती है वो हेल्दी प्लांट पर रब हो जाए या टच हो जाए मैनी एफाइट्स एग्जाम्पल माइजस परसिका माइजसुलानी एंड माइक्रोसिफोन सोलानिफोई इसमें क्या होता है ये जो बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं ये जो वायरस को ट्रांसफ़र करते हैं हेल्दी प्लांट में इसमें ये सब एग्जाम्पल हैं ये सब वेक्टर हैं जो कि इन्फेक्शन को ट्रांसफ़र करते हैं नेक्स्ट इज सिम्टम्स ऑफ टी फर्स्ट विजिबल सिम्टम्स ऑफ टी एम वी इन्फेक्शन टोबैको प्लांट अपियर इन द फॉर्म ऑफ डाउनवर्ड कर्लिंग एंड डिस्ट्रोशन ऑफ यंग एपिकल लीव्स जो पहला सिम्टम था हमारा टी एम वी इन्फेक्शन का वो ऐसे दिखाई देता था कि जो कर्ल थी मतलब लीव्स जो थी वो कर्ल होने लगी थी डाउनवर्ड कर्लिंग होने लगी थी और डिस्ट्रोशन ऑफ यंग एपिकल लीव्स और जो एपिकल पार्ट था लीव्स का वो डिस्ट्रोशन होने लगा था मतलब कि उसमें पैचिस आने लगे थे लार्ज स्पॉट्स ऑफ डार्क ग्रीन कलर अपीयर ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीव विच इवेंशली डेवलप इंटोआर इेगुलर ब्लिस्टर्ड एरियाज इसमें इसमें क्या होता है कि लार्ज स्पॉर्ट्स आने लगते हैं डार्क ग्रीन कलर के लीव्स के ऊपर अदर एरियाज़ ऑफ द लीव शो टिपिकल येलो एंड ग्रीन मोटलिंग और मोसिंग सिम्टम्स और कुछ लीव्ज में येलो uh, और ग्रीन मोटलिंग मतलब कि और ब्राउन भी आते हैं पैचीज आने लगते हैं धब्बे आने लगते हैं जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं द प्लांट बिकम स्टंटेड और प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है सो दिस टॉपिक इज़ कम्प्लीट इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो ओके बाय